और हम शुरुआत कहां से करें? जो आपको अच्छा लगे आप मध्य प्रदेश से करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के आंकड़ों को लेकर ना बहुत सी दिलचस्पी है, और वो इसलिए भी है बाबा कि मध्य प्रदेश को लेकर बहुत से अलग अलग प्रेडिक्शंस हुए। तो अब क्या होने वाला मध्य प्रदेश में, तो शुरुआत मध्य प्रदेश से कर दीजिए। लीजिए आपके सामने आ गया, बीजेपी को 95 से 115 सीटें, कांग्रेस को 105 से 120 सीटें, ये दैनिक भास्कर का आंकड़ा है, अन्य को 0 से 15 सीटें। हम बता दें कि एग्जिट पोल्स है ये, हम अलग अलग एजेंसी का पोल एक साथ एक जगह पे आपको दिखाएंगे। अभी आपके सामने जो आंकड़े हैं वो दैनिक भास्कर अखबार के हैं। अगला आंकड़ा देखते हैं, किसे कहा था, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, 140 से 162 बीजेपी, एक तरीके से क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं ये लोग। ये बहुत बड़ी जीत होगी अगर ये जैसा कि एक्सिस के पोल पे दिख रहा है बाबा। निश्चित रूप से ये पोल जो है ये बाकी पोल से अलग होगा, अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यदि हम बाकी दूसरे पोल की बात करें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स, बीजेपी को ये भी 140 से 159, 70 से 79 सीट जो है वो कांग्रेस को दिया जा रहा है यहाँ पर। बहुत बड़ी जीत बीजेपी की हो रही है, वो भी शिवराज सिंह चौहान की वापसी के तौर पर, जब बीजेपी ने अपना सब ताकत झोंक दी थी, अपने साथ साथ सांसदों को यहाँ लड़ाया। अब ये अगला पोल है जन की बात का, जन की बात में बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई दिखाई जा रही है, यही तो कंफ्यूज करता है। बीजेपी को 100 से 123 और कांग्रेस को 102 से 125। अब सीएनएक्स की माने या जन की बात की माने, ये ही चीजें चर्चा का विषय होने वाली है। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी की बात कर लेते हैं, 118 से 130 बीजेपी को दे रही है, 97 से 107 जो है वो कांग्रेस को दे रही है यहां पर। टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे आपको दिखा देते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, 230 सीटों में से 105 से 117 बीजेपी, कांग्रेस को थोड़ी सी एज है 109 से 125। मतलब दोनों ही परिस्थितियों में सरकार दोनों की बन रही है, सच में 50-50 का मैच है। और ये जो है हम पूरे आंकड़े आपको पूरे अपने टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टीवी, सीएनएक्स, जन की बात, न्यूज 24 और टुडे चाणक्य 151 और 74, ये आंकड़े भी काफी जो है वो एक तरफा आंकड़े हैं ये। मतलब तीन सर्वे ऐसे हैं, इनफैक्ट हम अब मेहमानों के पास चलेंगे, जो बीजेपी की बहुत बड़ी जीत का अनुमान लगा रहे हैं। और अगर ये जीत होती है तो शिवराज सिंह चौहान के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, जेपी नड्डा के लिए, अमित शाह के लिए, वाकई में एक इतिहास लिखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत। मेहमानों के पास चलते, स्मिता गुप्ता जी हमारे साथ हैं, संजय सिंह हमारे साथ हैं, अविनाश कल्ला हमारे साथ हैं, संदीप शास्त्री जी मेरे साथ हैं, ये सब लोग पहले से बने हुए स्टूडियो में, मैं आया हूं तो मैं अपना परिचय दे चुका हूं, लगातार बने हुए। स्मिता जी मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा उन तीन सर्वे पे जो बीजेपी को एक तरीके से आप कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी दे रहे हैं, 70% के आसपास सीटें दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। यदि वो नंबर्स सही निकले, क्योंकि आपको लगता है सही होंगे? नहीं, मैं किसी भी सर्वे को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, मगर आपका दिल क्या कह रहा है? नहीं, मैं यहाँ कोई प्रेडिक्शंस करने नहीं आई हूँ, मगर मैं यही कह रही हूँ यदि वो आंकड़े जो आपने अभी दोहराए वो यदि वो सच निकले, तो यही कहा जाएगा कि दो तीन चीज़ें थे जिसके वजह से भाजपा आगे निकली। एक तरफ से हमने देखा था कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व था, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, जब वो दो तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मगर फिर भी उनको डिक्लेयर नहीं किया था, तो उनको इसका मतलब है कि उनके मन में शक था कि उनको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि ये नंबर्स आ रहे हैं तो दो तीन चीज़ें हो सकते हैं जो भाजपा के पक्ष में गया है। एक तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है, वहाँ कोशिश हुआ था कि इंडिया अलायंस का एक कोलिशन बने मगर अंततः वो हुआ नहीं, तो उससे मुझे लगता है कांग्रेस को काफ़ी धक्का लगा होगा। ये इंटरेस्टिंग बात बोला आपने, मैं एक लिट में आ संजय जी से एक सवाल, अगर ये तीनों चारों सर्वे जो बीजेपी की जीत मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं, और ये तीन तो बहुत बड़ी जीत दिखा रहे हैं, एक्सिस हो गया, टुडे चाणक्य हो गया, क्या इस परिस्थिति में जब 7 सांसद चुनाव लड़े हैं, जब शिवराज सिंह चौहान को 19 साल के बाद मैंडेट मिल रहा है, एक ओबीसी चेहरा शिवराज सिंह चौहान का, क्या शिवराज सिंह चौहान जिनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, जो बात स्मिता जी बोल रही थी, क्या बीजेपी 150 सीटों के बाद चेंज करेगी लीडरशिप को?
आप बीजेपी को मुझसे बेहतर जानते हैं। और उसमें एक चीज ऐड करता हूँ, पहली लिस्ट निकाली तो आपने चीफ मिनिस्टर की सीट घोषित नहीं करी थी, टिकट नहीं दिया था आपने। देखिए दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ गए। एक जो ये एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन है, इंटरेस्टिंगली जो वहां का सबसे बड़ा अखबार है उसी ने कांग्रेस को जिताया है। सो वो अगर उल्टा पड़ता है तो मतलब दैनिक भास्कर की विश्वसनीयता पे एक प्रश्न होगा कि किस तरह की उन्होंने रिपोर्टिंग करी या जो भी फीडबैक उनका है। दूसरी चीज यह है कि आपने जो कहा कि शिवराज सिंह चौहान को पीछे मतलब चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, उनका नाम भी सेकंड लिस्ट में आया, नाम तो खैर आना ही था, वो एक अच्छी कामयाब स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो रनअप था उस बीच में ये लग रहा था कि ये सेक्शन जो है जो बीजेपी का सपोर्टर है वोटर है लेकिन कुछ कारणों से शिवराज सिंह चौहान से नाराज है। कई ऐसे लोग हैं, एक तबका है। शिवराज सिंह की चौहान की पॉपुलैरिटी अक्रॉस द स्टेट पर्टिकुलरली महिलाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा थी और ये जो अनाउंसमेंट हुआ उससे और भी उनका वो पेनिट्रेशन बढ़ा। एक नेक्स्ट डोर जो नेबर का या मामा का इमेज वो लगातार उसको लेकर के चल रहे हैं। जो ओपन किया गया, जो दो केंद्रीय मंत्री और पांच और सांसद भेजे गए उससे बहुत सारे लोग को लगा कि ये लीडरशिप क्वेश्चन ओपन है। तो अगर मैं इनका सपोर्टर हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूं, ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा। इस तरह से बाकी इलाकों में भी अगर ये प्रोजेक्शन, और ऐसा लग रहा है बहुत सारे मतलब इंडिकेशन आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो कांटे की कह रहे हैं वो कांटे की नहीं है, वो कांटे से ऊपर, कांटा एक तरफ टिल्ट हो चुका है। अच्छा विश्लेषण किया, अब सवाल का जवाब भी तो दीजिए। मुझे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, मैं देखिए ये मैं कह रहा हूं, मैं केंद्रीय लीडरशिप के मन में हो नहीं सकता लेकिन जो इतने समय से काम करने से एक अनुभव है उसके मुताबिक लगता है कि अगर ऐसे नतीजे आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान पुनः शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, फिर क्या होगा या तीन साल के बाद क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन अभी के लिए उनका काफी स्ट्रांग पोजिशनिंग होगी, दावेदारी होगी। आपकी बात संदीप जी, मैं इसी सवाल को ट्विस्ट करता हूँ जो मेरी आदत है। अगर सात सांसद लड़े, दो प्रेजेंट आपके मंत्री हैं, उनको आपने चुनाव में लड़ा दिया, उन्होंने अपनी अपनी ताकत से अपने अपने इलाकों में चुनाव जितवाया और बीजेपी को 150 के आसपास सीटें आ रही हैं, ऐसी परिस्थिति में तो सेंट्रल लीडरशिप जो चाहे कर सकता है। वाई शिवराज सिंह चौहान भाई, हम तो चाहेंगे प्रहलाद पटेल बन जाए, हम तो चाहेंगे फगन सिंह कुलस्ते बन जाए, आदिवासी हैं। मैं मुझे ये कहना है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी मजबूत होती है जो बात संजय जी कह रहे हैं इतने बड़े मैंडेट के बाद, या कमजोर होती है? पहली बात मुझे लगता है जब हम 3 तारीख को नतीजे देखेंगे एक कांटे की टक्कर की एक रिजल्ट उस दिन देखेंगे, इतनी अच्छा भारी बहुमत मुझे लगता है बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो नहीं मिलेगी। ओके। दूसरी बात, जब केंद्र मंत्रियों को आपने मैदान में उतारा, मुझे लगता है एक कारण ये भी था, एक रेनबो सोशल कोलिशन आप क्रिएट कर रहे थे, वो मिनिस्टर्स अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते थे, सो उन वोट्स को आप लाना चाहते थे। और आज के बीजेपी के एक पॉलिटिक्स को देखें तो केंद्र लीडर्स क्या कहते वही पार्टी में होता है, तो अगर आपने उनको उतारा, उन्होंने मध्य प्रदेश में पार्टी को जिताया, अब केंद्र में वापस आइए, अपना काम उधर पूरा करिए और अगले साल के चुनाव के लिए रेडी हो जाइए। सो मुझे लगता है कि जैसे कहा गया, इस बार लगता है थर्ड और फोर्थ राउंड में कैसे उन्होंने कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन किए और शिवराज सिंह को जो चाहिए था उन्हीं को सबको टिकट मिला, मुझे लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा और एक इनेविटेबिलिटी रहेगी कि आपको शिवराज जी को बनाना ही पड़ेगा। एक साल के बाद क्या होगा वो अलग बात है, पर अब तो वो परिस्थिति लगता है कि नेतृत्व के प्रश्न पे शिवराज जी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं का वोट, अगर ये रिजल्ट सही निकला, ये महिलाओं का वोट जो पक्ष के साइड पे आया होगा, ये चीफ मिनिस्टर के पॉलिसीज है उसके कारण थे। इन सभी कारणों को देखते हुए आई थिंक अगर बीजेपी मेजॉरिटी जीतती है वहां पे, चीफ मिनिस्टर को उनको कंटिन्यू करने के सिवाय मुझे लगता है कोई और उपाय नहीं रहेगा।